मनीष सिसोदिया के घर के अंदर जो रिसेप्शन है वहां पर सीबीआई के अधिकारी बैठे हुए हैं, साथ ही मनीष कोटा रजनीश इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट पर भी जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, विजुअल्स में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और ये इसीलिए होती है कि जब सीबीआई की रेड होती है तो कोई भी शख्स इस रेड के दौरान ना तो घर के अंदर जा सके और ना ही घर के बाहर आ सके। ये इस तरीके का जो है वो नज़ारा, इस तरीके की तस्वीरें इस समय मनीष सिसोदिया के जो मथुरा रोड है उसके घर से निकल के सामने आ रही है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 15 की अपने रिपोर्टर तरुण दे कोल लेके चल दे जो इस बाबत जानकारी दे रहे ने। तक झेल रहे हैं इस मामले के अंदर, उनके घर के ऊपर भी सीबीआई की रेड चल रही है। मैं मनीष सिसोदिया के घर का एग्जिट डोर का विजुअल यहां पर दिखाता हूं और दर्शकों को बारीकी जानकारी देता हूं। बाय नेम मनीष सिसोदिया का FIR के अंदर नाम दर्ज किया गया है और अरवा गोपी कृष्णा जो कि उस वक्त के एक्साइज कमिश्नर थे, पूर्व एक्साइज कमिश्नर भी सीबीआई की जांच की रडार में आ चुके हैं और उनका नाम भी बाय नेम FIR के अंदर दर्ज किया गया है। जो ब्रॉडर एलिगेशंस हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू इंटेलिजिबल पीपल एंड क्विड प्रो को, ये तीन मेजर एलिगेशन हैं जिनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। एक बड़ी जानकारी यही है सामने आ रही है, उसके बाद एड ऑन जो हुआ है 8:30 बजे की सीबीआई रेड के अंदर की जो बाकी लोकेशंस हैं वो दिल्ली ही और पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली पंजाब सहित 7 यूनियन टेरिटरी और राज्यों के अंदर ये सीबीआई की रेड चल रही है। ये सीबीआई की रेड कब तक चलेगी, कितने महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ पाएंगे शाम के वक्त आधिकारिक तौर पर सीबीआई प्रेस रिलीज के माध्यम से या फिर ये बड़ी जांच चल रही है उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर सीबीआई पुख्ता तरीके से सामने रखेगी कि सीबीआई को अपनी जांच के अंदर आज की रेड के अंदर जो 20-21 लोकेशन है उनके अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनके आधार पर जो चार्जेस मनीष सिसोदिया के खिलाफ या बाकी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लगाए गए हैं वो वैलिडेट हो रहे हैं। आगे की किस तरह से जांच की जाएगी आधिकारिक तौर पर शाम के वक्त सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी सामने आ पाएगी। रेड का संबंध कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साफ तौर पे जिस इस रेड को किसी भी तरीके से जो जो मैनिपुलेट करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है ताकि इस रेड का जो ध्यान है वो आबकारी नीति से हटाकर जो जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर लाकर जो है वो केंद्रित कर दिया जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति से घबराकर केंद्र सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अभी भी तैनात हैं और हो सकता है कि अधिकारी आए जाएं, गाड़ियां आए जाएं, जो अधिकारी एक बाहर लगातार देखने के लिए मिल रहा है एग्जिट गेट के बाहर वो एस्टेब्लिश कर रहा है कि सीबीआई की टीम मौके के ऊपर है, वो एक्सटर्नली इन चीजों को वैलिडेट करने की अवसर कोशिश कर रहा है कि भारी संपर्क किसी भी अंदर बैठे व्यक्ति का ना हो पाए और ना ही अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को संपर्क किए जाए। जाहिर तौर पर बड़े एलिगेशन लगातार न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत मनीष सिसोदिया की भूमिका के ऊपर लग रहे हैं। 11 अधिकारियों पर LG कार्रवाई कर चुके हैं जिसके अंदर उस वक्त के एक्साइज कमिश्नर भी शामिल हैं, सभी का सस्पेंशन हो चुका है। तो माना जा सकता है कि ना सिर्फ बड़े राजनेता जो कि मंत्री पदों के ऊपर हैं बल्कि अधिकारियों के ऊपर भी सीबीआई की जांच चलेगी। और मैं आपको बताऊं कि इस लोकेशन के अलावा 20 अन्य लोकेशन हैं जहां पर सीबीआई की जो सर्च है वो लगातार चल रही है, जिसमें जो शराब कारोबारी हैं उनके घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, उसी के साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके घर पर भी सीबीआई की टीम है। तो अभी जो कि सुबह 8 बजे के आसपास एक साथ सभी लोकेशन पर रेड की गई और उसके बाद अभी जो जाँच है वो लगातार चल रही है। विशाल तरुण की जानकारी दे रहे हैं, तुहानू लेके चल दे। अब दमन एंड दीव के अंदर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया था, लिहाजा उनके दमन एंड दीव जो कि एक अन्य UT है वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। जो प्रीलिमिनरी जानकारी आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी तरह से वैलिडेट जानकारी नहीं है। जो अनकन्फर्म सोर्सेज से, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हों, चाहे वो सीबीआई से जुड़े हों, वो सामने आ रहे हैं। 2012 बैच के जो अगमट काडर के IAS ऑफिसर हैं अरवा गोपी कृष्णा जो कि पोस्टेड है दमन एंड दीव के अंदर और उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, न्यू एक्साइज पॉलिसी उन्हीं के टेनियर के अंदर, उन्हीं की मौजूदगी के अंदर लागू हुई थी और उसका ड्राफ्टिंग हुआ था। उनके घर के ऊपर रेड चल रही है, सर्च चल रही है। जो पुख्ता जानकारी और सामने आ रही है वो
सो दिल्ली दे विच वड्डे पद्धर ते छापेमारी जा रही है। मनीष सिसोदिया दे घर दे नाल नाल कुल 20 थावां ते छापेमारी की जा रही है। सीबीआई जांच नूं किस पक्ष लैके जांदी है या किहड़े सबूत लैके आउंदी है उस आधार ते स्पष्ट होवेगा कि मनीष सिसोदिया राहत मिलदी है या फिर उन्हां नूं सजा हुंदी है।